हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि WsCubeTech इस बार आप सभी की डिमांड पे आप लोगों के लिए लेके आया है एथिकल हैकिंग कोर्स, जहां पे मैं आशीष कुमार आप लोगों को बेसिक नेटवर्किंग से लेकर कंप्लीट एथिकल हैकिंग एडवांस तक सब कुछ सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक जो बेसिक पार्ट है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। नेटवर्किंग क्या होता है, आज हम नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज आप टोटल 5 चीज़ें सीखने वाले हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग, how it works, what are the types of networks, what is IP address and their types, and role of ports in networking. ये 5 चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, what is computer networking? तो आइए देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है। बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को देखते हुए हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को समझेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो डिवाइस या कोई भी दो एंटिटीज एक दूसरे से कम्युनिकेट, बात करती है, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन करती है, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से किसी भी सोर्स के जरिए कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर फाइल कुछ भी शेयर करता है, उसको कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। ये काम कैसे करती है, इसमें क्या क्या होता है, आगे और चीज़ें देखेंगे अपन। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, हम क्या क्या शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में, फाइल शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अब ये जो फाइल, जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टोर होगी। मैंने अगर आपसे एक फाइल शेयर करी है तो वो फाइल आपके सिस्टम में सेव होगी। मैंने आपको अगर एक ऑडियो भेजा है तो ऑडियो आपके फाइल में सेव होगा। अगर एक सॉफ्टवेयर भेजा है तो वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में सेव होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी प्रिजर्व कर रहा है। एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है, बेसिकली जब दो सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल के जरिए करते हैं। वो TCP, UDP, HTTP किसी भी प्रोटोकॉल के जरिए जब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो प्रोटोकॉल सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कि वो जो उनका डेटा है वो सिक्योरली ट्रांसफर हो और वो सिक्योरली स्टोर भी हो। तो सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड हो रही है, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर तो हो ही रहा है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, एंड शेयरिंग ऑफ डेटा। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमें सारी चीज़ें मिल रही है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिकली दो सिस्टम्स के बीच में जब कम्युनिकेट करना है तो उस कम्युनिकेशन को कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। वो कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस, वो रूल्स रेगुलेशन जो भी चीज़ें फॉलो हो रही है उसको कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है, नेटवर्किंग काम कैसे करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसे अच्छे से समझेगा। बिकॉज एथिकल हैकिंग में नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे तो हमें नेटवर्क को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसको समझते हैं। पहली एंटिटी जो हमें समझनी है वो ISP। ISP क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे जियो, एयरटेल, BSNL और जितने भी अदर नेटवर्क्स है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं उनको ISP कहा जाता है। आप लोग अपने घर में किसी ना किसी ISP का इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे। आपके घर में या तो एयरटेल का ब्रॉडबैंड होगा या जियो का होगा या किसी अदर सर्विस BSNL का होगा। तो ISP करता क्या है, बेसिकली ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। वो एक ब्रॉडबैंड को इंटरनेट प्रोवाइड करता है और ये ब्रॉडबैंड जो है बेसिकली ये ब्रॉडबैंड हम लोगों को नेट प्रोवाइड करता है। जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है उसके पास नेट कहाँ से जा रहा है, ब्रॉडबैंड से जा रहा है। अब इन दोनों के बीच के प्रोसेस को एक बार अच्छे से समझते हैं कि ये ISP और ब्रॉडबैंड में जब ये कम्युनिकेशन सेट हो रहा है, जब ISP ब्रॉडबैंड को नेट प्रोवाइड कर रहा है तब उसको क्या मिल रहा है। IP के बारे में क्या पता है आपको, IP क्या होता है, IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और ये एड्रेस कब प्रोवाइड करा जाता है, ये एड्रेस तब मिलता है जब एक सिस्टम के पास इंटरनेट प्रोवाइड हो जाता है। जैसे ही एक सिस्टम में इंटरनेट आता है उसको एक IP अलॉट हो जाती है, जो कि उसका वाइड एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क में उसका एड्रेस होता है। और वो एड्रेस तभी उसको मिलेगा जब उसके पास इंटरनेट आएगा। तो यहाँ देखते हैं हम कि जैसे ही ISP ने इस ब्रॉडबैंड को नेट दिया, उसी वक्त इस ब्रॉडबैंड के पास एक IP अलॉट हो गई, इसकी पब्लिक IP जो कि है 8210250.19। ये IP इस ब्रॉडबैंड को कब अलॉट हुई, जब ISP ने इसको इंटरनेट प्रोवाइड किया। नाउ जैसे ही इसके पास इंटरनेट आया, इसके पास एक पब्लिक IP और एक प्राइवेट IP है 192.168.0.1 जो कि पहले से थी इसके पास। बट अब ये आगे काम क्या करेगा, इसके पास इंटरनेट आ गया है, इसके पास एक पब्लिक IP आ गई है और इससे अब कुछ डिवाइस कनेक्ट हुए हैं, वायर्ड हुए हो चाहे वायरलेस हुए हो। यहाँ पे एक वायरलेस डिवाइस है, बाकी सारे वायर्ड डिवाइसेज है। तो ये जो डिवाइसेज कनेक्ट हुए हैं इससे, इन सारे डिवाइसेस को ये बेसिकली नेट प्रोवाइड कर रहा है और नेट के साथ साथ हर एक को IP भी ये अलॉट करेगा। बट IP किस बेसिस पर अलॉट होगी, IP अलॉट होगी इस प्राइवेट IP डिफॉल्ट गेटवे के जरिए जो कि है 192.168.0.1। तो जो भी IP इन सिस्टम्स को अलॉट होगी वो 0.1 के बाद की होगी। ये ऐसे ही डिफॉल्ट गेटवे हमारा काम करता है। डिफॉल्ट गेटवे जो होता है वो पहली IP सिस्टम का जो राउटर होता है उसकी होती है, और उसके बाद की जितनी भी IPs होती है वो सारी राउटर असाइन करता है हर सिस्टम को। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे हमारे सिस्टम की 102 है, इस सिस्टम की 100 है, सिस्टम की 10 है, प्ले स्टेशन है जो कि। सो बेसिकली
एक राउटर इन सबको आईपीस प्रोवाइड कर रहा है, बट ये जो आईपी प्रोवाइड कर रहा है ये सारी आईपी प्राइवेट आईपीज है। ये जो जितनी भी आईपीज आपको दिख रही है प्राइवेट आईपी है, इनका वाइड एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट वर्ल्ड में कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई नहीं जानता कि ये आईपी सिस्टम के पास है या फिर ये आईपी सिस्टम को बिलोंग कर रही है। ये कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि जो भी आईपी इंटरनेट पे जा रही है वो पब्लिक आईपी जाएगी, प्राइवेट आईपी नहीं जाएगी, क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क की है, ये आईपी बस इस एरिया में सीमित है, इस एरिया के बाहर इस आईपी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन किस आईपी की है? इस पब्लिक आईपी की, जो कि इस आईएसपी ने इसको दी है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए इस कंप्यूटर को गूगल एक्सेस करना है, इसने लिखा google.com। जैसे ही इसने गूगल एक्सेस करने की रिक्वेस्ट जनरेट करी, इसने अपने ब्राउजर में बस सर्च करा google.com, देन एक पैकेट जनरेट होके कहाँ आएगा? हमारे राउटर के पास। फिर हमारा राउटर क्या करेगा? राउटर इस पैकेट को इंटरनेट पर फॉरवर्ड करेगा। तो राउटर ने इस पैकेट को इंटरनेट पर फॉरवर्ड करा। अब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के बारे में कुछ समझते हैं क्या होता है। जिस सिस्टम से कोई पैकेट जनरेट होके जा रहा होता है उसको सोर्स आईपी कहते हैं। यहाँ से यानी यहाँ से ये पैकेट जनरेट हुआ है, यहाँ से ये निकला है। डेस्टिनेशन आईपी क्या होता है? जिस डेस्टिनेशन पे वो पैकेट जा रहा है, यानी यहाँ से अगर इस राउटर ने एक पैकेट जनरेट किया गूगल सर्वर की तरफ कि हमें आपकी साइट को एक्सेस करना है, तो सोर्स आईपी थी राउटर की एंड डेस्टिनेशन आईपी थी गूगल की, उस पैकेट को वहां पहुंचना था। तो ऐसे ही जैसे ही इस राउटर ने इस पैकेट को सेंड करा, तो यहाँ पे जो सोर्स आईपी है वो होगी राउटर की, और ये पैकेट सीधा जाएगा गूगल सर्वर के पास उसकी आईपी से पिंग होके, जो अपन आगे समझेंगे। और गूगल सर्वर दो ही रिस्पांस देगा, या तो वो बोलेगा आप मेरी साइट को एक्सेस नहीं कर सकते हो, या फिर वो बोलेगा आप एक्सेस कर सकते हो। दोनों ही केस में वो एक रिस्पांस जनरेट करेगा यानी एक रिप्लाई देगा, उस रिप्लाई को रिस्पांस कहते हैं। तो जैसे ही वो रिस्पांस जनरेट करेगा तो रिस्पांस किस आईपी पाएगा? क्या वो इस सिस्टम की आईपी पाएगा 102 पे? नहीं, वो आएगा राउटर की आईपी पे, जस्ट बिकॉज उस राउटर की आईपी थी सोर्स आईपी, जो आईपी वहां गई है गूगल सर्वर के पास वो ये आईपी थी। तो जो रिस्पांस आएगी वो रिस्पांस भी इसी राउटर के पास आएगी, इस राउटर को रिस्पांस मिली। नाउ राउटर एक और अच्छा काम करता है जिसको हमें समझना जरूरी है। राउटर हर कुछ सेकंड्स में कुछ एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करता है। ये एआरपी रिक्वेस्ट होती क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करती है? ये कंफर्म करती है कि इसके पास कितने सिस्टम कनेक्टेड है और उन सारे सिस्टम्स की आईपी क्या है। ये पूछती है हु इज 102, यानी एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो कि बोलेगी हु इज 192.168.0.102। ये सारे सिस्टम्स के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी एंड ये सिस्टम जो है ये बोलेगा कि मैं हूं 102। जैसे ही ये रिप्लाई देगा मैं हूं 102, ये अपने रिकॉर्ड में उसको अपडेट करेगी और वो जो रिस्पांस आई थी वो रिस्पांस इसको शेयर करेगी। और ऐसे ही करके हम हमारा जो ऑल ओवर नेटवर्किंग काम करती है, इनमें से वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, भले ही इस वायरलेस डिवाइस ने गूगल एक्सेस करने की परमिशन मांगी, बट जो आईपी जाएगी वो पब्लिक आईपी जाएगी राउटर की, एंड जो रिस्पांस आएगा वो राउटर के पास ही आएगा। देन राउटर सबसे एआरपी रिक्वेस्ट शेयर करके जिसकी वो आईपी होगी, जिसके लिए वो रिस्पांस आई है, उसको शेयर कर देगा। तो ऐसे हमारी जो नेटवर्किंग है ये काम करती है। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं? नेटवर्किंग में 3 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। कौन कौन से? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में नेटवर्क को डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं इनके अंदर क्या है। सबसे पहले हमारे पास है लैन। व्हाट इज लैन? लैन क्या होता है? लैन होता है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक राउटर है, जो कि अभी हमने समझा था कि एक राउटर से कुछ सिस्टम कनेक्टेड है, 10 सिस्टम होंगे, 5 सिस्टम होंगे, जितने भी सिस्टम वाईफाई में हो चाहे वायर्ड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक राउटर के अंदर जितने सिस्टम कनेक्टेड है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं ये राउटर है, इस राउटर ने यहाँ पे इन सिस्टम्स को कनेक्ट कर रखा है। इस राउटर से कितने सिस्टम कनेक्टेड है? 1 2 3 4 5 6 सिस्टम कनेक्टेड है। तो अगर एक स्मॉल एरिया नेटवर्क है, ये प्रॉपर लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसको हम लैन कहते हैं, यानी कि स्मॉल एरिया में जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है उसको हम लैन कहेंगे। नाउ सेकंड इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है? व्हाट इज मैन? मैन बेसिकली जब एक राउटर या ब्रॉडबैंड या हम जो भी सर्विस यूज ले रहे हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़े स्टेज पे जब उसको यूज में ले रहे हैं, यानी यहाँ ये जो नेटवर्क है ये इन घरों में भी प्रोवाइड हो रहा है, इन कंपनीज में और इनके सर्वर्स में भी प्रोवाइड हो रहा है। तो ये आसपास के काफी एरियाज में अगर नेट प्रोवाइड हो रहा है, यानी एक लोकल एरिया नेटवर्क से बड़े स्टेज पे जब नेटवर्क शेयर होता है तो उसको मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड
थर्ड है हमारे पास वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, हम सब वाइड एरिया नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। वाइड एरिया नेटवर्क है इंटरनेट जो एक बहुत बड़े स्टेज पर होता है, हमारा जो ISP है ऑल ओवर कंट्री में नेट प्रोवाइड करा रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क है, WWW वाइड एरिया नेटवर्क है। सो बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क क्या काम कर रहा है, एक जो राउटर है वो कई कंट्रीज में अलग अलग डिवाइसेस में सबको नेट प्रोवाइड कर रहा है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है IP एड्रेस क्या होता है। हमने अभी पब्लिक IP देखी और कुछ प्राइवेट IPs देखी, डिफॉल्ट गेटवे को देखा कि वो प्राइवेट IPs ही होती है, इसको और अच्छे से हम अभी समझेंगे। फिलहाल एक IPv4 क्या है, क्या होती है IPv4 और ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है वो समझेंगे। सो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट थिंग, ये 4 पेयर्स के डिजिट्स होते हैं, यहाँ पे हर पेयर के पास 8 बिट्स होती है, यानी 1 बाइट हर पेयर के पास 8 बिट है। टोटल जो हो जाएगी हमारे पास वो है 32 बिट्स यानी 4 बाइट्स। सो एक आईपी टोटल 4 बाइट्स की होती है। अब इस आईपी के बारे में कुछ अपन चीजें समझते हैं कि ये जो आईपी के स्लॉट्स है ये ऐसे ही नहीं है, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाँ, ये आप लोगों के लिए कुछ नया होगा, इसको अच्छे से समझते हैं, आइए देखते हैं। ये जो इसका पहला पेयर है, ये पेयर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये पेयर हमें बताता है कि ये आईपी किस कंट्री से है, यानी ये पेयर हमें बताएगा कि ये इंडिया से है या किसी अदर कंट्री की आईपी है। सेकंड पेयर हमें क्या बताता है, सेकंड पेयर हमें बताता है कि इसका स्टेट क्या है। एंड थर्ड पेयर हमें बताता है कि ISP कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यानी हमें ये बता रहा है कि किस कंट्री की किस स्टेट में कौन सा जो ISP का जो वहां का ऑफिस होगा, जो हमें जिसने IP अलॉट करी है वो ऑफिस कहाँ पे, ये लोकेशन बताती है IP हमें। जैसा हमारा आधार कार्ड का एड्रेस होता है वो हमारे घर की इन्फॉर्मेशन देगा, हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, वैसे ही एक IP भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेके चलती है, जो हम स्कैनिंग में देखेंगे कि हम एक IP से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों इन्फॉर्मेशन के बाद जो हमारा फोर्थ पेयर है वो हमें बताता है कि डिवाइस कौन सा है। अब ये काम होता कैसे और क्या काम होता है इसको भी समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी साइट को एक्सेस करा, या एक क्रिमिनल ने साइबर फ्रॉड करा है, तो अगर उसने किसी साइट को एक्सेस करा था तो वहां उसकी IP रिकॉर्ड हो जाती है लॉक्स फाइल के अंदर। और लॉक्स फाइल के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है कि उसने क्या चलाया है, उसकी IP क्या थी और किस टाइम पे यूज किया उसने उसे। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन उसके पास स्टोर हो जाती है। और जो हमारी साइबर टीम होती है वो क्या करती है, वो उस IP के जरिए उस ISP तक पहुंच जाती है, उस कंट्री के उस स्टेट में उस ISP ऑफिस तक पहुंचती है और वहां जाके क्वेरी करती है कि इस टाइम पे ये IP किस सिस्टम के पास थी। देन उन्हें पता पड़ता है कि ये IP इस सिस्टम के पास थी जिसका MAC एड्रेस ये है, और उसके जरिए वो उस सिस्टम तक पहुंचते हैं। तो ऐसे हमारी IP हमारी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रखती है। आइए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, IPv4 IPv6 में डिफरेंस क्या है, वॉट इज डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। IPv4 के बारे में जो कि हमने समझा, ये एक IPv4 वर्जन है जिसके अंदर टोटल 32 बिट्स के नंबर्स हमें मिलते हैं, जिसके अंदर एड्रेसिंग फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है 192.159.252.76। इसमें प्रीफिक्स नोटेशन जो है वो बेसिकली इसकी स्टार्टिंग जो IP होती है, जो कंट्री और स्टेट है वो फिक्स रहता है, देन ISP उसके हिसाब से चेंज होता है, कंट्री के हिसाब से जो फर्स्ट पेयर है चेंज होगा एंड स्टेट के हिसाब से सेकेंड पेयर चेंज होगा। नंबर्स ऑफ एड्रेसेस कितने बन सकते हैं, इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, IPv4 कितने सिस्टम्स को अलॉट करी जा सकती है। तो ये है 2 की पावर 32, यानी 4.7 बिलियन एड्रेसेस, 4.7 बिलियन एड्रेसेस एक IPv4 जनरेट कर सकता है, यानी टोटल 4.7 बिलियन डिवाइसेस को IP अलॉट करी जा सकती है। बट ये आज के यूज के हिसाब से बहुत कम पड़ गई है, आज के यूज के हिसाब से बहुत सारे लोग इंटरनेट से जुड़ गए हैं, बहुत सारे डिवाइसेस इंटरनेट पे हैं, तो इतने सारे डिवाइसेस को IP अलॉट करना मुश्किल होता जा रहा है। और स्टैटिक IP की अपन बात करें, जिसके बारे में अपन आगे समझेंगे, तो वो और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सो उस केस में हमने IPv6 को इंट्रोड्यूस करा। IPv6 IPv4 का ही अपडेटेड वर्जन है जिसमें कुछ ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजें हैं, वो क्या है समझते हैं। IPv6 में टोटल 128 बिट नंबर्स हैं एंड इसका जो नोटेशन है ये कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। और इसकी खास बात है कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो बहुत ज्यादा है, कितने ज्यादा है, वो 2 की पावर 128 है, यानी 340 ट्रिलियन एड्रेसेस, अप्रोक्सीमेटली इतने ज्यादा एड्रेसेस बन सकते हैं इससे। सो यहाँ पे हमें सिस्टम्स को IP अलॉट करने में कमी महसूस नहीं होगी, केवल इस वजह से IPv6 को इंट्रोड्यूस करा गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, टाइप्स ऑफ IP कितने टाइप्स की होती है, तो वो हम समझने वाले हैं। पहले इन दो टॉपिक्स को देखते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, ये दो IP जो है ये क्या होती है, क्या इनमें डिफरेंस है। पब्लिक IP जो हमने देखा
कि आईएसपी ने ब्रॉडबैंड को प्रोवाइड कराई थी जो हमारी सिम के पास होती है। अगर हमारे मोबाइल में हमने हॉटस्पॉट ऑन किया और जो बाकी डिवाइसेस कनेक्ट हुए हैं जो नेट चला रहे हैं, तो आईपी कभी उनकी नहीं जाएगी, आईपी जाएगी हमारे डिवाइस की, क्योंकि वो ही पब्लिक आईपी है। उसके इंटरनल जितने भी डिवाइसेस जुड़े हैं वो लोकल आईपी पे जुड़े हुए हैं। पब्लिक आईपी वो आईपी होती है जो ऑल ओवर इंटरनेट सबको दिखाई देगी, जैसे हमारा पैन कार्ड नंबर है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम कहीं भी अप्लाई करेंगे, कहीं भी लगाएंगे तो हमारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल है। हमारा नाम हमारी आइडेंटिटी है, वो जहाँ भी लिया जाएगा पहचान सकते हैं कि हाँ भैया इसका नाम लिया जा रहा है। बट अगर हमारा निक नेम की बात करें जो घर में लिया जाता है, तो केवल उस एरिया में ही वो सीमित रहता है, तो उसको कहते हैं प्राइवेट आईपी। प्राइवेट यानी उस एरिया में ही उसको जाना जाता है, उस एरिया के बाहर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी एक राउटर से जुड़े हुए जितने भी सिस्टम्स थे उनकी जो भी आईपी थी 192.168, कभी भी ये सिस्टम्स की आईपी बाहर नहीं जाएगी। हमेशा इंटरनेट पे वाइड एरिया नेटवर्क में जो आईपी शो होगी वो होगी पब्लिक आईपी। नेक्स्ट, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी क्या होता है? फ्रेंड्स, स्टैटिक आईपी वो आईपी होती है जो एक बार अगर अलॉट कर दी जाती है तो वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। यानी अगर मेरे सिस्टम की आईपी आज है 142.168.29.29, तो ये आईपी फिक्स रहेगी। कल, परसों, नेक्स्ट डे, वन वीक बाद, वन ईयर बाद ये आईपी फिक्स रहेगी। तो स्टैटिक आईपी क्या यूज आती है? जब हम अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं या जब हम चाहते हैं, कोई भी वेबसाइट होस्ट हो रही है, जब एक डोमेन मिल रहा है, आईपी को एक नाम मिलता है जब, जिसको डोमेन नेम कहते हैं, तो उसकी आईपी फिक्स होती है। जस्ट बिकॉज हम नहीं चाहेंगे कि कोई रेगुलर हमारी आईपी चेंज हो और किसी को हम तक आने में प्रॉब्लम हो। ये हमारे घर के एड्रेस की तरह है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा घर का एड्रेस अलग हो। अगर आप लोग आ रहे हो तो आए दिन नए 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 एड्रेस मेरे को आपको बताना पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है और इससे मेरा ट्रैफिक कम होगा जो वेबसाइट पर आएगा। तो इसलिए हम स्टैटिक आईपी मांगते हैं, हमें स्टैटिक आईपी दी जाती है। डायनामिक आईपी क्या होती है? वो आईपी जो हमें अभी हमारे डिवाइसेज में अलॉट हो रही है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज हमें स्टैटिक आईपी की जरूरत इतनी नहीं है। एक नॉर्मल यूजर को स्टैटिक आईपी की इतनी जरूरत नहीं है। हमारे डिवाइसेज में जो हमें आईपी अलॉट होती है वो डायनामिक आईपी होती है, वो लगातार चेंज होती है। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो आईपी चेंज हो जाती है, और उससे पहले अगर कोई भी बीच में हर्डल आए, कोई भी बीच में रुकावट आती है, तो अभी वो आईपी चेंज हो जाती है। लाइक अगर आपने अपना एयरप्लेन मोड ऑन करा है, आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करा है, आपने अपनी सिम स्विच करी है, तो उस केस में भी जो हमें आईपी है वो नहीं असाइन हो जाती है, ताकि ये जो आईपीज हैं ये सबको असाइन हो सके टाइम टू टाइम। अगर कोई सिस्टम कोई यूज़ नहीं आ रहा है, बंद पड़ा है, तो उसको आईपी मिली हुई रखना बेवकूफ़ी है। आईपी की हमारे पास पहले ही कमी थी, आईपी 6 के बाद इतनी नहीं रही है, बट जब हमें यूज़ ही नहीं है स्टैटिक आईपी का, तो स्टैटिक आईपी हमें नहीं दी जाती है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रोल ऑफ पोर्ट्स इन नेटवर्किंग। पोर्ट्स का क्या रोल है नेटवर्किंग के अंदर? तो इसको समझने के लिए एक बार मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ कि एक सिस्टम को जब दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, कोई भी फाइल, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, मान लीजिए इसकी आईपी थी 192.168.1.28 एंड इसकी आईपी थी 192.168.1.29। सो इन दोनों सिस्टम को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, बट ये जिस भी प्रोटोकॉल का यूज लें, टीसीपी के जरिए करें चाहे यूडीपी के जरिए करें, इनमें कुछ रूल्स है जो इन्हें फॉलो करने होते हैं, जो कि पोर्ट डिसाइड करता है। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है किस रास्ते से जा रही है। अब यहाँ पे खूब सारे रास्ते हैं, अब मेरे को केवल एक इन्फॉर्मेशन को शेयर करना था। मान लीजिए मैं वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट भेजो, रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग रास्ते हैं, इनको गली नंबर समझ सकते हैं अपन। अब इसको समझने के लिए दो लाइव एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ये मेरे एक फ्रेंड का घर है और ये मेरा घर है। अगर मेरे फ्रेंड को मेरे घर पे आना है तो वो किसी ना किसी रास्ते से आएगा। उसको मेरा घर का एड्रेस पता होगा, उसको पता होगा मेरे घर की गली नंबर क्या है। वैसे ही ये सिस्टम्स भी काम करते हैं। ये फ्रेंड जो आएगा, ये जो भी एड्रेस है, जो भी गलियां जा रही है, जिस हिसाब से इसको लेके आ रही है, उस हिसाब से आएगा। और यहाँ इंटरनेट पे भी जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो किसी न किसी पोर्ट पे होगा, यानी किसी न किसी रास्ते पे होगा। और पोर्ट के कुछ रूल्स हैं, क्या कि अगर मैं पोर्ट नंबर 28 पे सुन रहा हूँ तो आप पोर्ट नंबर 28 पे ही बोलेंगे। इसका मतलब ऐसा है कि जब ये दोनों फ्रेंड्स मिल रहे थे, तो अगर मैं यहाँ पे अलग अलग रास्ते हैं फ्रेंड्स, तो अगर मैं मान लीजिए इस गली का नंबर है 80, तो अगर मैं गली नंबर 80 पे खड़ा हुआ यहाँ पे उसका वेट कर रहा हूँ और वो यहाँ पे गली नंबर 443 से आ जाता है, तो क्या मिल पाएंगे? हम नहीं मिल पाएंगे, हमारा कोई कम्युनिकेशन सेटअप ही नहीं होगा, हम दोनों को जो भी काम था वो होगा ही नहीं।
तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों सिस्टम जिनके पास अपनी अपनी आईपी है, अगर इन दोनों को एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर करना है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो एक सेम पोर्ट पे करनी पड़ेगी। तो आइए इसके बारे में कुछ और चीजें समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी होती है। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होती है 65535, 65535 पोर्ट्स होती है टोटल, जिसके अंदर इनके कुछ स्टेट्स होते हैं। स्टेट्स क्या बताते हैं, जब हम नेटवर्किंग स्कैनिंग करते हैं तो हमें एक पोर्ट के कुछ स्टेट्स दिखते हैं, या तो वो ओपन या वो क्लोज या वो फिल्टर दिखती है। इसको समझने के लिए एक चीज समझते हैं कि मान लीजिए हमारा घर है, तो या तो उसका दरवाजा खुला होगा कि कोई भी अंदर आ सकता है, या उसका दरवाजा बंद होगा कि कोई अंदर नहीं आ सकता है, उसका दरवाजा लॉक होगा कि जब तक किसी के पास चाबी नहीं है कोई अंदर नहीं आ सकता। सो ये होती है पोर्ट्स की कुछ स्टेट्स। नेक्स्ट थिंग जो है वो वेल नोन पोर्ट्स क्या होता है, यानी 0 से लेकर 1023 तक जो नंबर ऑफ पोर्ट्स है ये वेल नोन होती है। इसमें पता होता है कि ये पोर्ट्स कौन यूज कर रहा होगा बाय डिफॉल्ट। लाइक 80 जो है वो HTTP यूज करता है, 443 जो है वो HTTPS यूज करता है। तो ये वेल नोन पोर्ट्स है, ये डिफाइंड है कि इसको यही यूज कर रहे होंगे, यही सर्विसेज यूज कर रही होगी। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड पोर्ट्स। 1024 से लेकर 49151 तक जो पोर्ट्स हैं उनको रजिस्टर्ड पोर्ट कहा जाता है, यानी वो जो पोर्ट्स हैं वो किसी ना किसी सिस्टम के लिए रजिस्टर्ड है, किसी ना किसी सर्विस के लिए रजिस्टर्ड है, उन पे केवल वो ही काम करेंगे। एंड 4915 से लेकर 65535 जो लास्ट था, ये जितनी भी पोर्ट्स होती है ये डायनेमिक होती है, ये बेसिकली किसी को भी अलॉट करी जा सकती है, किसी भी यूज में आ सकती है, इन पोर्ट्स को डायनेमिक पोर्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमने देखा कि हर सर्विस किसी ना किसी पोर्ट पे रन कर रही है, तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट सर्विसेज है और बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। पोर्ट नंबर 20 ये किस प्रोटोकॉल के जरिए कम्युनिकेट कर रही है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है या तो वो TCP होगा या वो UDP होगा, या वो वाइड एरिया नेटवर्क में हो रहा है या फिर वो वाइड हो रहा है, तो प्रोटोकॉल तो TCP UDP ही रहेगा, बट सर्विस क्या है, ये FTP डेटा के शेयरिंग के लिए, बेसिकली FTP डेटा की जो सर्विस है वो यूज कर रही है पोर्ट नंबर 20 को। और ऐसे ही जो हम HTTP यानी वेबसाइट चलाते हैं, तो HTTP जो होता है वो पोर्ट नंबर 80 पे, यानी HTTP सर्विस पोर्ट नंबर 80 पे चलती है। प्रोटोकॉल तो इसका TCP ही रहेगा, बट सर्विस जो है वो HTTP रहेगी। और HTTPS जैसे ही एक HTTP वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट ऐड कर दिया जाता है तो वो HTTPS हो जाती है। और ये जो SSL सर्टिफिकेट है, ये जो सर्विस है, ये पोर्ट नंबर चलती है 443 पे, एंड कम्युनिकेशन जो इनका प्रोटोकॉल है वो TCP ही रहेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो सर्विस है वो SSL है। तो ऐसे ही कुछ सर्विसेज है जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स पे ही चलती है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन, जहाँ पे हमने नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। आगे हम इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। कल शाम 10 बजे मैं नई वीडियो के साथ आ रहा हूँ, जहाँ पे हम OSI वर्सेस TCP/IP मॉडल के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम बेसिक से लेकर एडवांस तक काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले एथिकल हैकिंग में, और मैं नहीं चाहता कि आप मिस करो। थैंक यू।